हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्लॉट का साइज़ है 15 फीट बाई 80 फीट। 80 फीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यह है आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान और यह फर्स्ट फ्लोर का प्लान। ग्राउंड फ्लोर में आपको गोडाउन के साथ शॉप मिलेगा और फर्स्ट फ्लोर में 3 BHK। पहले देखेंगे ग्राउंड फ्लोर। इस ग्राउंड फ्लोर का फर्श आप ज़मीन से कितनी ऊँचाई पर रखेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टेयर का स्टेप देना होगा, 3 या फिर 4। और ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये ऊपर का लाइन है यानी बैल्कनी का। यह है आपका शॉप। इस शॉप का डोर आप दोनों साइड रख सकते हैं और यह शॉप 9 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 3 इंच का होगा और इस पैसेज का चौड़ाई रहेगा 4 फीट 10 इंच। इस पैसेज से आगे बढ़ते ही बाई तरफ आपको स्टेयरकेस मिलेगा और यहाँ पर गोडाउन का डोर। इस गोडाउन का साइज़ है 14 फीट 2 इंच बाई 52 फीट 5 इंच और यह वेंटिलेटर 2.5 फीट का होगा। अब देखेंगे आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 9 फीट 9 इंच बाई 10 फीट 8 इंच। 9 फीट 9 इंच आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस स्टेयरकेस में आपका आप यहाँ से होगा। ये है आपका फास्टाइज़र और ये फास्टाइज़र यहाँ से 7 फीट 5 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा और आपका स्टेयर का चौड़ाई रहेगा 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में टोटल 21 राइज़र है। एक राइज़र आपका 6 इंच का होगा तो आपका गोडाउन का हाइट होगा 10.5 फीट इस फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। अभी स्टेयरकेस से ऊपर जाते हैं और देखते हैं आपका फर्स्ट फ्लोर। इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और इस डोर का भी चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस डोर से अंदर आते ही आपको 10 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर है सिटिंग एरिया और यहाँ पर टीवी यूनिट और यह है आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर और यह रूम 10 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 5 इंच का होगा। अभी इस रूम से बाहर आते हैं और इस पैसेज से जाते हुए देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। इस पैसेज का चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच। यहाँ पर है आपका सेकेंड बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और ये बेडरूम 14 फीट 2 इंच बाई 13 फीट का होगा। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए और ये दोनों विंडो ही 5 फीट का होगा। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका किचन। यहाँ पर मिलेगा किचन का डोर और ये डोर 2.5 फीट का होगा और ये किचन 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 9 इंच का होगा। इस किचन में यहाँ पर मैंने दिए ओवन और यहाँ पर बेसिन और यह किचन का वर्किंग एरिया और ये विंडो 2.5 फीट का होगा। इस किचन के साथ ही है वॉश एरिया यानी यूटिलिटी। इसका साइज़ है 6 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 8 इंच। अब इस किचन से बाहर आते हैं। इस किचन से बाहर आते ही यहाँ पर मिलेगा डाइनिंग और ये डाइनिंग 6 यूज़र है और इस डाइनिंग एरिया का साइज़ है 7 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 10 इंच और इस डाइनिंग रूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो है जो 5 फीट का होगा। अभी यहाँ से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आपका थर्ड बेडरूम यहाँ पर होगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 14 फीट 2 इंच बाई 11 फीट और इस रूम के साथ मैंने बैल्कनी भी दी है। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बैल्कनी का साइज़ है 14 फीट 2 इंच बाई 3 फीट 5 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए। ये विंडो आपका 5 फीट का होगा और ये विंडो आपका 4 फीट का। और इस बेडरूम से बाहर आते ही दाहिने तरफ आपको 3 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच का एक टॉयलेट मिलेगा। ये टॉयलेट सिर्फ इसी बेडरूम से यूज़ करने के लिए यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर मैंने एक डोर दी है। अगर आप ये डोर बंद करते हैं तो इसी बेडरूम से इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे आपका कॉमन टॉयलेट। आपका कॉमन टॉयलेट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मैंने अलग से लैट्रिन दिए जिसका डोर यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर एक डोर रहेगा इस बात के लिए। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट और टॉयलेट का साइज़ है 3 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 9 इंच और ये वेंटिलेटर 2 फीट का होगा। इस टॉयलेट से बाहर आते ही यहाँ पर आपको 3 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 4 इंच का अलग से लैट्रिन मिलेगा और ये वेंटिलेटर 2 फीट का होगा और यहाँ पर आप बेसिन दे सकते हैं। अभी इस टॉयलेट से बाहर आते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलेगा जो चौड़ाई में 3 फीट 6 इंच है। यहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इस प्लान को मैं दोबारा दिखाऊंगा बिना जूम इन जूम आउट किए। यहाँ से आपका एंट्रेंस होगा। यहाँ पर है शॉप और यह है आपका स्टेयरकेस और यहाँ पर है गोडाउन का डोर। यहाँ से ऊपर जाते ही यहाँ पर आपको एक डोर मिलेगा और यहाँ पर एक डोर। इस डोर से आप फर्स्ट बेडरूम आएंगे और इस डोर से ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम के साथ यह है आपका सेकेंड बेडरूम और यहाँ पर एक स्पेस है वॉशिंग मशीन रखने के लिए। यह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डाइनिंग मिलेगा जो 6 यूज़र है। यहाँ पर है आपका किचन और इस किचन के साथ ही है वॉशरूम और यह है आपका थर्ड बेडरूम और आपका कॉमन टॉयलेट यहाँ पर होगा। यहाँ पर लैट्रिन और यहाँ पर बाथ और इस बाथ एरिया में मैंने अलग से कोमोड दिए और यहाँ पर आप अपना बेसिन दे सकते हैं और इस बेडरूम के साथ मिलेगा आपको बैल्कनी। तो
तो फ्रेंड्स अब तक आपने देख लिया कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।